आज हम बात करने वाले हैं फिश स्किन डिजीज के बारे में, एक ऐसा जेनेटिक स्किन कंडीशन जहां पर स्किन पूरी तरह से ड्राई, इची, स्केली हो जाती है, रफ हो जाती है और एक मछली की तरह, यू नो, जो मछली का स्किन होता है एग्जैक्टली वैसे स्किन दिखाई देती है। कई साल का स्किन इन्फेक्शन, सालों साल की ट्रीटमेंट, मल्टीपल फेलियर, मल्टीपल रीअकरेंसेस, बार बार वो आ रहा है, उसका एरिया बढ़ रहा है। इसके बाद कहीं ना कहीं पेशेंट्स ये रियलाइज करते हैं कि इसके रूट कॉज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, और जब पेशेंट्स इसे आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं तब वो राइट एक्शंस लेते हैं और लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स उन पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। पेशेंट्स कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये सिर्फ एक्सटर्नली स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम नहीं है, बट इंटरनली स्किन का जो एक्सफोलिएशन प्रोसेस है उसे करेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स के लिए। आज विस्तार में बात करेंगे इक्थायोसिस वल्गैरिस, इस कॉमन स्किन कंडीशन के बारे में, और इसे जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है आयुर्वेद और सिर्फ आयुर्वेद द्वारे, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोबीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। आज हम बात कर रहे हैं इक्थायोसिस वल्गैरिस के बारे में। ये जो वर्ड है इक्था, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मछली, क्योंकि सभी तरह के जो लक्षण है ये मछली के स्किन की तरह हमें दिखाई देते हमारे त्वचा पर। सो कहीं ना कहीं हमें जानना चाहिए इसका क्या कारण है, किन्हें ये होता है, क्यों होता है और किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं। सो आयुर्वेद में 5000 साल पहले हमारे आचार्यों ने हमारे लिए एक कुष्ठ नाम का त्वचा विकार एक्सप्लेन किया है। आपको पता है स्किन डिजीज ये कुष्ठ रोग के अंतर्गत एक्सप्लेन किए गए हैं। 11 प्रकार के शुद्र रोग एक्सप्लेन किए गए हैं और उस 11 शुद्र रोग में से एक शुद्र रोग यानी एक कुष्ठ। जब आचार्य हमें एक्सप्लेन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं एक कुष्ठ के बारे में, वो कहीं ना कहीं हम कोरिलेट कर सकते हैं आज के इक्थायोसिस वल्गैरिस नाम के त्वचा विकार से, और जब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, कोरिलेट करते हैं, डायग्नोसिस सही तरीके से करते हैं और बात कफत चिकित्सा यानी एक कुष्ठ की जो चिकित्सा आचार्य ने हमें बताई है वो ट्रीटमेंट जब हम अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं पेशेंट को लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। उनकी कंडीशन इंप्रूव होती है, उनकी मनस्थिति इंप्रूव होती है, उनकी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स बढ़ती है और सारे सिस्टम्स में फर्क दिखाई देता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट स्किन, इट्स अबाउट ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी दैट आर अफेक्टिंग द स्किन, दैट आर अफेक्टिंग द एक्सफोलिएशन प्रोसेस ऑफ द स्किन। सो ट्रीटमेंट के पहले हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। सो मॉडर्न साइंस या अभी के स्टडीज के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका कॉज देखा गया है म्यूटेशन इन द जीन। जो म्यूटेशन अकाउंटेबल होता है फिलेग्रिन नाम का प्रोटीन एनकोड करने के लिए, ये कारण देखा गया है। स्टडीज का ऐसा कहना है कि फिलेग्रिन क्या है, तो ये प्रोटीन है जो हमारे स्किन के नेचुरल बैरियर को बनाता है। ऐसा कुछ रिसर्च देखा गया है कि जिन पेशेंट के इम्यून सिस्टम वीक है, जिन्हें डायबिटीज है, जो ऑन एंड ऑफ कई तरह के अलग अलग, यू नो, हेडेक हो गया, अलग तरह के प्रॉब्लम हो गए, ऑन एंड ऑफ मेडिसिन लेते रहते हैं, ऐसे पेशेंट जिन्हें निकोटिनिक एसिड कंटेनिंग मेडिसिन जो ले रहे हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया मेडिसिन जो ले रहे हैं, कैंसर थेरेपी के जिनके दवाइयां चल रहे हैं, जिन्हें एचआईवी सार्कोइडोसिस या जिनका कहीं ना कहीं ऑर्गन फेलियर है, या तो वो लिवर फेलियर हो या किडनी फेलियर हो, ऐसा भी देखा गया है कि ये हेरिडिटरी स्किन कंडीशन है, जेनेटिक स्किन कंडीशन है। ये कुछ रीजंस देखे गए थे जिन्हें इक्थायोसिस वल्गैरिस नाम का त्वचा विकार होता है। फिशी स्केल्स, ड्राई स्केल्स दिखाई देते हैं। हमें इस त्वचा विकार को आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखना काफी इंपॉर्टेंट है। सो आयुर्वेद में कहा है वात कफज रोग है ये। वात यानी जितनी शरीर में हवा, जितनी शरीर में वात उतना ज्यादा ड्राइनेस, जितना शरीर में कफ उतना ज्यादा इचिंग। सो वात और कफ को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो पेशेंट्स हम इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं। हम बात करने वाले तीन स्पेसिफिक दवाइयों के बारे में जो इक्थायोसिस के लिए जिसके बेहतरीन फायदे है, पर उसके पहले हम जानते हैं कि इसके रूट कॉज को कैसे मिटाया जा सकता है। सो पूरे ट्रीटमेंट का मोटिव ये है कि हमें इंटरनल जो स्किन की एक्सफोलिएशन प्रोसेस है उसे करेक्ट करना है ताकि स्किन का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से हो सके। सो ये इंटरनल एक्सफोलिएशन प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, तो वो है अभ्यंतर स्नेहपान यानी इंटरनल ओलिएशन। सो कहीं मेडिकेटेड ग्रुता स्नेह काल में यानी 6 से 7 के बीच में, अर्ली इन द मॉर्निंग 10 से 20 ml के डोज पर जनरली अडल्ट्स को हम गाइड करते हैं। कहीं तरह के मेडिकेटेड ग्रुता जैसे इंदुकांत ग्रुत,
दादी मादी ग्रुत, कल्याणक महाकल्याणक ग्रुत, महातिक्त ग्रुत, ऐसे कई मेडिकेटेड ग्रुत डिपेंडिंग ऑन द एज, काल, बल, अवस्था, कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस अनुसार सही तरह की मेडिकेटेड ग्रुत अगर पेशेंट 10 से 20 ml स्नेह काल में उसका सेवन करना शुरू करे तो बिना कुछ बाहर से इस्तेमाल के इंटरनली हमें ओडिएशन दिखाई देता है। इंटरनल ड्राइनेस को फाइट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए अभ्यंतर स्नेहपान काफी यूजफुल है। और अभ्यंतर स्नेहपान जब पेशेंट शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि उनका इचिंग भी कम हो रहा है, उनके एनर्जी लेवल्स काफी बड़े हैं। ग्रुते के अच्छे अब्सॉर्प्शन के लिए सही तरह से दीपन पाचन करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हम जो भी खा रहे हैं उसका पाचन अच्छे से होना और शरीर में भूख बढ़ना इज अ गुड साइन ऑफ बीइंग हेल्दी एंड बीइंग एक्टिव। इसके साथ साथ कई तरह के पंचकर्म बताए हैं असाध्य त्वचा विकारों के लिए, जैसे नमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, तक्रधारा, ऐसे पेशेंट जहां पर हम देखते हैं कि मनस्थिति या स्ट्रेस एंजाइटी के कारण ये इक्थायोसिस हुआ है, तो शिरोधारा सबसे पहले कहा जाता है। शिरोधारा या घर पे हम उन्हें सिखाते हैं शिरो पीचू करने के लिए, यानी आयुर्वेदिक मेडिटेशन, एक स्पेसिफिक वीडियो भी है, आई ऐड दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आयुर्वेदिक मेडिटेशन से स्ट्रेस एंजाइटी घर पे एक सिमिलर शिरोधारा के इफेक्ट से हम उसका फायदा होता है। जब तक्रधारा किया जाता है, स्ट्रेस लेवल कम आता है, ऑटोमेटिकली हम पेशेंट्स की स्किन इंप्रूव होते हुए देखते हैं। सो ये थे कुछ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। बात करते हैं तीन स्पेसिफिक द्रव्य के बारे में। सबसे पहला है सारीवा यानी हेमिडेसमस इंडिकस। इस पर एक पूरा वीडियो है यूट्यूब पर, आई ऐड दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये क्या है सारीवा, क्या फायदे है, कैसे इस्तेमाल करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए, उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये इचिंग को कम कर रहा है, ये ठंडा होता है, ये तिक्त रसात्मक होता है, ये मनो स्रोतस पर जाने वाला द्रव्य है और ये सुपरेशन, ऊजिंग, ब्लड डिस्चार्ज, इचिंग को कम करने वाला एक बेहतरीन द्रव्य है। बाहर से भी कई बार सारीवा यष्टि मधु के साथ मिक्स करके इसका एक लेपन किया जाता है, उसके भी काफी अच्छे फायदे हैं। दूसरा द्रव्य है भृंगराज यानी केश राजा, हेयर के लिए जिस दवा को हम जानते हैं वो है भृंगराज। पर भृंगराज न सिर्फ हेयर के लिए पर इसके कई सारे एक्शंस हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में देखते हैं। सो भृंगराज ये गर्म होता है, ये पंजेंट होता है यानी स्पाइसी होता है, तो इसे सावधानी से भी इस्तेमाल करना चाहिए, राइट डोज इसका काफी इंपॉर्टेंट है। भृंगराज ये इचिंग को कम कर रहा है, ये दीपन पाचन भी कर रहा है, ये ब्लड प्यूरिफायर है। सो भृंगराज के बारे में आचार्य ने ऐसे कहा है कि न सिर्फ स्किन या हेयर बट ऐसा कोई भी लक्षण या कोई भी रोग जहां पर हमें वात और कफ एक साथ विशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर भृंगराज का इस्तेमाल करें तो काफी फायदा हमें दिखाई देता है। सो दिस इज भृंगराज। तीसरा द्रव्य है कुटकी। कुटकी इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर लिवर यानी यकृत और प्लीह, ये मूल स्थान है रक्तमा स्रोतस का आयुर्वेद अनुसार, और रक्त दृष्टि हम देखते हैं हर एक त्वचा विकार में। सो उस रक्त को शुद्धिकरण करना, लिवर को स्टिम्युलेट करना, भूख बढ़ाना और एक तरह से जो पित्त शरीर में बढ़ा है उसे एलिविएट करना, उसे निकालना विरेचन द्वारे या मृदु विरेचन द्वारे, ये किसका काम है, तो ये काम है कुटकी का। एक सबसे बढ़िया द्रव्य त्वचा विकारों के लिए तो वो है कुटकी। इसे राइट डोज में इस्तेमाल करना काफी इंपॉर्टेंट है। रस पाचक यानी रस का जो प्रीलन करने वाला जो द्रव्य है, रस पाचक यानी कुटच, कुटकी, पटोल, इसमें कुटकी नाम का द्रव्य है। सो रस का पाचन हो रहा है, रस का पाचन हो रहा है तो आगे के द्रव्य यानी रक्त अच्छे बनने वाले हैं, मसल्स अच्छे बनने वाले हैं, फैट अच्छे बनने वाले हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमारे शरीर के जो घटक है धातुज यानी वो जो हमारे शरीर को होल्ड कर रहे हैं, उसकी निर्मित हो रही है, वो अच्छे तरीके से बन रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, ये था आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। हमें ये जानना है कि कहीं ना कहीं इंटरनल एक्सफोलिएशन प्रोसेस को करेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। सालों साल की ट्रीटमेंट या मल्टीपल फेलियर्स के बाद पेशेंट्स आयुर्वेद के पास आते हैं और उन्हें लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दिस वॉज ऑल फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोगीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।